तो दोस्तों मुझे यहाँ से यू टर्न लेके आना पड़ा वापस, क्योंकि ये जो है ये है इनका घर। ये हमारे हूँ और मैं जा रहा हूँ उनके फ्लोर पे, सिक्स फ्लोर पे एंट्री करूँ। चलो मिस पांडे में स्वागत दोस्तों आपका। दोस्तों आज संडे का दिन है और सैटरडे का दिन कल था। कल एक वीडियो बनाई थी मैंने जो आप लोगों ने देखा, अच्छा प्यार मिला आप लोगों का। और तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा वैशाली की ओर, और वैशाली में हमारे दोस्त लोग रहते हैं, कुछ यूट्यूबर रहते हैं, तो उनके साथ मैं जा रहा हूँ, कुछ उनके साथ मीटअप है और उनके साथ मिल के आता हूँ, थोड़ा उनके घर चलते हैं। आपको यहाँ से मयूर विहार से लेकर वैशाली तक का टूर दिखाते हैं, रास्ते का नज़ारा दिखाते हैं, थोड़ा आज का मौसम और आज का हाईवे रोड आपको दिखाता हूँ और चलते हैं। जैसा कि गाइज आप देख रहे हैं, मैं निकल चुका हूं और मैं हूं ठीक इस समय मदर डेयरी वाली रोड पे, और यहां से मदर डेयरी की दूरी होगी लगभग 200 मीटर। तो ये एरिया जो है पूरा मयूर विहार का कहलाता है, और सामने दाएं ओर जब देखेंगे तो आप, ये है संजय झील का इलाका, यानी कि संजय लेक। यहाँ पर एक झील है, पार्क है बहुत अच्छा, तो उसका भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है संजय झील के नाम से, आप जरूर देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं आज जा रहा हूँ वैशाली, और आपको वैशाली जाते हुए थोड़ा सा बाहर का भी सीन दिखा देता हूँ, तो चलते हैं। तो गाइस ये रोड है सीधा लक्ष्मी नगर को जाती है, और मैं आगे फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न कर जाऊँगा गाजियाबाद वाली रोड पे, यानी कि हाईवे रोड पे। तो यह है आज का ट्रैफिक का मंजर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमेशा 24 घंटे ट्रैफिक रहता ही रहता है, क्योंकि ये मेन रोड है और यही रोड जो है फेस 3 तक जाता है, और आगे जाए जो शकरपुर लक्ष्मी नगर तक। तो मैं आगे जो सामने फ्लाईओवर है इसी को बोलते हैं मदर डेयरी, थोड़ा सा इससे आगे मदर डेयरी का पड़ता है जहाँ से बिनोद नगर पड़ता है, तो मैं इसके नीचे से राइट टर्न ले लूँगा और आपको आज हाईवे का भी नज़ारा दिखाता हूँ। और ये हाईवे जो है काफ़ी चौड़ा हो चुका है, करीब 7 या 8 लाइन का ये हाईवे बन चुका है पूरा। ट्रैफिक का नज़ारा आप देख रहे हैं, उल्टा सीधा यहाँ पे सब चलता है, जो भी ट्रैफिक वाला यहाँ पर खड़ा होगा वो पागल ही हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए ट्रैफिक वाला खड़े होते ही नहीं यहाँ पे। तो हम निकल पड़े हैं हाईवे की तरफ, और अभी आपको हाईवे का नज़ारा दिखाता हूँ, चलते हैं आगे। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ नेशनल हाईवे रोड पे, और यही रोड सीधा जो है लखनऊ के लिए निकलती है, और हमारे जो विलेज उत्तराखंड है वहाँ के लिए भी यही रोड निकलती है। जब भी मैं यहाँ से उत्तराखंड जाता हूँ तो इसी रोड से होते हुए मैं निकलता हूँ। मस्त नज़ारा सामने का, और काफ़ी ग्रीनरी दिल्ली के अंदर हो चुकी है, और रोड भी काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ वैशाली, और मैं आपको अभी गाजीपुर बॉर्डर जो किसान का आंदोलन चल रहा है वहाँ पर भी आपको दिखाने वाला हूँ। शायद वो रोड बंद होगा या खुला होगा, मुझे मालूम नहीं, शायद बंद ही होगा। तो देखते हैं वैशाली की ओर जाने के लिए कौन सा रास्ता हमें जाना होगा, तो चलते हैं सीधा गाजीपुर बॉर्डर, वहाँ से मैं आपको फिर नज़ारे दिखाता हूँ। तो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ गाजीपुर मंडी के पास, और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ये है मुर्गा मंडी एंड मछली मंडी। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ी मंडी है मीट मांस की, ठीक उसके बगल पे कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, दिल्ली का तमाम कूड़ा यहाँ पर डाला जाता है, लेकिन बीच में क्या हुआ, बारिश के टाइम पर कूड़ा का पहाड़ एकदम से ढह गया और एक औरत उसके चपेट में आ गई, उसका डेथ हो गई, तब से यहाँ कूड़ा डालना बिल्कुल अलाउ नहीं है। लगता है दोस्तों किसान आंदोलन का अब यहाँ पर असर दिखने लग गया है, क्योंकि ट्रैफिक की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है, आगे मुझे लग रहा है जाम लग रहा है या फिर बंद हो रहा है, तो देखते हैं।
तो दोस्तों मुझे यहाँ से यू टर्न लेके आना पड़ा वापस, क्योंकि ये जो है गाजियाबाद की एंट्री बंद है यहाँ से, और पूरा जाम लगा हुआ है। ये जितना भी ट्रैफिक है ये सारा जो है आगे से यू टर्न लेके वापस मंडी की ओर जाएंगे, और इधर का सारा रास्ता बंद पड़ा हुआ है, गाजियाबाद बॉर्डर पूरा बंद पड़ा हुआ है। अब मुझे यहाँ से कहीं से शॉर्टकट निकलना पड़ रहा है गाजियाबाद के लिए, वैशाली के लिए। तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ये किसान आंदोलन की वजह से लोग जो हैं कल को इधर से जा रहा है तो इधर से जा रहा है, तो दूर को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं सभी लोगों से सजेस्ट करता हूं कि जो लोग भी अपने कार्य से वैशाली गाजियाबाद की ओर आ रहे हैं तो कृपया पहले ही आनंद विहार की ओर मुड़ जाएं, क्योंकि अगर आप गाजीपुर बॉर्डर पर आएंगे तो आपको फिर कहीं ना कहीं से रास्ता निकालना पड़ेगा और थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप सीधा जो है पहले आनंद विहार जाएँ, आनंद विहार से फिर यू टर्न लेकर फिर आपको जो है वैशाली की ओर जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत परेशान हो गया हूँ इस समय। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं, वहां से जब मैंने लेफ्ट लिया तो मैं सीधा पहुंच चुका हूं कौसाम्बी की तरफ। तो कौसाम्बी से अंदर होते हुए मैं सीधा सामने आप देख रहे हैं आनंद विहार वाली जो रोड है वो दिखाई दे रही है, तो उसी रोड पर होते हुए अंदर से निकलते हुए मुझे निकलना पड़ेगा वैशाली की ओर। तो दोस्तों यहाँ से मुझे यू टर्न लेना पड़ रहा है, और जो सामने फ्लाईओवर देख रहे हैं आप ये मेट्रो वाला, ये सीधा आनंद विहार की तरफ जा रहा है, और मैं यहाँ से यू टर्न लेके और कौसाम्बी के बीच में होते हुए सीधा मिलते हैं आपको वैशाली रोड पे। तो गाइज ऑलरेडी मैं वैशाली पहुँच चुका हूँ, और आज काफ़ी दिमाग ख़राब हो गया यार ट्रैफिक में, तो जैसे तैसे करके मैं पहुंच ही गया हूं। तो गाइस चलते हैं, और मैं जा रहा हूं आज मानला उत्तराखंड वालों के घर पे, थोड़ा मेरा कुछ काम था, मिलते हैं। नेगी जी घर में 26 नंबर। तो ऑलरेडी इनके घर पहुंच चुका हूं, और मैं जा रहा हूं उनके फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे एंट्री करूँ, और ये यही रहते हैं फ्लैट में। तो चलते हैं अभी ऊपर। तो मैं हूँ इस समय लिफ्ट के अंदर, बस खुलने वाला है। तो ये है इनका घर, और मैं नमस्कार भैया वीडियो बनाते ला रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ये देखिए ये हमारे मानला उत्तराखंड वाले, ये बल कटी में तो दोस्तों अब इस वीडियो को ही पे समाप्त करता हूँ। अच्छा लगेगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।